हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश प्लेस ए से प्लेस बी तक गया एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और उसके बाद प्लेस बी से प्लेस सी तक गया। यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू भी आपको ये क्वेश्चन समझाया स्टूडेंट्स। देखिए, हमसे कहा गया है कि दिनेश पहले प्लेस ए से प्लेस बी तक गया और उसके बाद प्लेस बी से प्लेस सी तक गया, यानी पहले यहां से यहां तक आया दिनेश और फिर यहां से यहां तक आया। और उसके बाद हमें दिया गया है ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच का डिस्टेंस यहां हमने लिखा है 7.5 किलोमीटर। और उसके बाद हमसे कहा गया है एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 12.7 किलोमीटर। तो देखिए, बी और सी के बीच का डिस्टेंस यहां पर हमने लिखा है 12.7 किलोमीटर। तो जो दिनेश है वो पहले ए से बी तक गया और बी से सी तक गया। अब इसके बाद देखिए, हमसे कहा गया है अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब जो अयूब है वो पहले प्लेस ए से प्लेस डी तक गया, और उसके बाद हमसे कहा गया है एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और उसके बाद अयूब प्लेस डी से प्लेस सी तक गया। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है, देखिए ए और डी के बीच का डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर। एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी। सी और डी के बीच का डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 11.8 किलोमीटर। तो जो अयूब है वो पहले प्लेस ए से प्लेस डी तक आया और उसके बाद प्लेस डी से प्लेस सी तक गया। और फाइनली हमसे पूछा गया है हु ट्रेवल्ड मोर, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया एंड बाय हाउ मच, और जिसने भी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि दिनेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश इज इक्वल टू, तो हमें ये कहा गया है कि दिनेश पहले ए से बी तक गया और उसके बाद बी से सी तक गया। तो यहां पर हमने लिखा ए बी प्लस बी सी, यानी एक तो ये डिस्टेंस आएगा ए बी वाला और एक ये डिस्टेंस आएगा जो ये बी सी वाला डिस्टेंस है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दिनेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 7.5 किलोमीटर और बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 12.7 किलोमीटर। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा 7.5 किलोमीटर जो ए बी का डिस्टेंस है, और उसमें हमने ऐड किया है बी सी का डिस्टेंस यानी कि 12.7 किलोमीटर। अब यहां पर आपने ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब हम दो डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो पहले हमने लिखा ये 7.5 किलोमीटर, और उसके साथ जब हम ये 12.7 लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे ये डेसिमल आएगा। डेसिमल के राइट में क्या है, 7, तो वो 7 यहां पर आएगा। डेसिमल के लेफ्ट में पहले 2 है तो यहां पर 2 लिखा, और उसके बाद उससे अगली डिजिट है लेफ्ट साइड में 1, तो यहां पर 1 आएगा। अब हम 7.5 और 12.7 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 7 और 5 को ऐड किया। 7 प्लस 5 12 होता है, 12 का 2 यहां पर आ गया और 1 यहां पर कैरी आ गया। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10 होता है, 10 का 0 यहां पर आया, 1 यहां कैरी हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 होता है तो यहां पर 2 आ गया। तो दिनेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स, दिनेश ने डिस्टेंस कवर किया है 20.2 किलोमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि अयूब ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि अयूब पहले ए से डी तक गया, तो पहले तो हमने ए डी वाला डिस्टेंस यहां पर लिखा और उसमें हम ऐड कर देंगे डी सी, क्योंकि हमसे कहा गया है कि अयूब डी से सी तक गया, यानी पहले ए से डी तक आया फिर डी से सी तक गया। तो एक डिस्टेंस तो ये ए डी हो जाएगा, तो यहां पर हमने ए डी लिखा, उसमें ऐड कर देंगे ये डी सी, तो ये डी सी हमने यहां पर लिखा है। अब ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 9.3 किलोमीटर, तो ए डी की जगह यहां हम लिखेंगे 9.3,
और डीसी का डिस्टेंस हमें दिया गया है 11.8 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11.8। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 3 11 होता है, 11 का 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 + 9 10, 10 + 1 11 होता है, तो यहाँ 11 का 1 आ गया, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो अयूब ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 21.1 किलोमीटर। अब हम इजीली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिनेश ने 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और अयूब ने 21.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो जो अयूब ने डिस्टेंस कवर किया है वो दिनेश के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने लिखा अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस बाय, अयूब ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए हम अयूब ने जो डिस्टेंस कवर किया है 21.1 किलोमीटर वो लिखेंगे, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे 20.2 किलोमीटर। ये वो डिस्टेंस है जो दिनेश ने कवर किया है। अब हम 21.1 में से माइनस करेंगे 20.2 को। अब हमें 1 में से 2 माइनस करना है, लेकिन 1 तो 2 से छोटा है, तो यहां से हम 1 कैरी कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा। अब इस 1 में से 1 तो यहाँ कैरी कर लिया था, तो यहाँ बचा 0। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल गया है 0.9। तो हम कह सकते हैं कि अयूब ने दिनेश के कंपेरिजन में 0.9 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।